अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट वर्ल्ड बिंदेल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी जैम, जो कि हम ईद पार्टीज में इस्तेमाल करेंगे और मैं बना रही हूँ उसको घर पे। आप भी मेरे मेथड को फॉलो करके बना सकते हैं चटपटी सी मज़ेदार ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी की जैम या टॉपिंग, जिसे हम क्रीम केक, वेफर्स, आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी के अंदर 250 ग्राम ही चीनी शामिल करनी है, साथ में इसमें आपने आधा टीस्पून काला नमक डाल देना है और आपने इसके अंदर 2 से 3 अदर लेमन भी स्क्वीज कर देने हैं और फिर इसे 1 गिलास पानी डालकर अच्छे से शेक कर लेना है। इसके मिक्सचर को मैं शिफ्ट कर रही हूँ दूसरे पैन में और फिर मैं इसको चढ़ाने लगी हूँ चूल्हे पे। चूल्हे पे चढ़ाते ही 1 गिलास पानी इसके अंदर दोबारा से शामिल कर रही हूँ और फिर इसको तकरीबन आधा घंटा आपने पकाना है। और जब ये आधा घंटा पक जाएगा तो इसका कलर और टेक्सचर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। साथ में हमें चाहिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, वो हमने पानी के अंदर मिक्स करके इसके अंदर शामिल करना है और हल्का हल्का इसको चम्मच से हलाते जाना है, क्योंकि अगर आप रोक देंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस में थोड़ा सा फ़र्क आया है, ये थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। और इसके साथ ही मुझे चाहिए यहाँ पे 2 अदद लेमन का जूस, जो मैंने पहले से ही निकाल के अपने पास रख दिया था, मैं अब इसके अंदर करूँगी शामिल और उसके बाद इसे कुछ देर पकने देंगे। आप चाहें तो इसे ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं, बट मैंने इसको बनाई है आइसक्रीम और केक्स वगैरह की डेकोरेशन के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर क्रिएटिव वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ईद व्लॉग्स में।